वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक पर। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लकड़ी के राख के ऊपर कि लकड़ी का राख का प्रयोग गार्डन में किस तरह से कर सकते हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। और इस लकड़ी में के राख में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो प्लांट के लिए ज़रूरी है, तो चलिए जानते हैं। लकड़ी का राख यानी कि वुड ऐश, जिसका प्रयोग आज से नहीं कई वर्षों से किए जा रहे हैं हमारे गार्डन में, और इसके फ़ायदे भी लिए जा रहे हैं। अभी भी बड़े बड़े किसान इसका उपयोग अपने खेतों में किया करते हैं और कई ऐसे फ़ायदे लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि लकड़ी के राख किस प्रकार से हम घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो इसे बनाना सबसे इजी है। आपके गार्डन से ही बहुत सारे पत्ते लकड़ियां निकलते हैं, आप इसे जलाकर लकड़ियों के राख को बना सकते हैं। या फिर कई ऐसे अभी भी ऐसे घर हैं जहां पर लकड़ियों के जलाने से ही खाने बनते हैं, तो वहां से भी आप राख को ले सकते हैं, या फिर घर पर लकड़ियों के जलाकर आप इस राख को बना सकते हैं। ये तो हुई लकड़ियों के राख को किस प्रकार से घर पर बना सकते हैं। तो आगे के वीडियो में जानेंगे कि लकड़ियों का राख कितने रूपों में अपने गार्डनिंग में कर सकते हैं और इसके फायदे ले सकते हैं, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला उपयोगी फ्रेंड्स, रूटिंग हार्मोन के तौर पर जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो आपको करनी क्या है, इस तरह से अच्छी तरह से वुड ऐश को लगाकर इस तरह से आप कटिंग लगाएं, इस तरह से, ये देखिए, इस तरह के, इस तरह से। इससे आपको ये फायदे होंगे, एक तो आपकी कटिंग जल्दी लगेंगे और आपके कटिंग फंगस डिजीज से भी बचे रहेंगे, यानी कि रूटिंग हार्मोन के तौर पर राख का यूज आप कर सकते हैं। और दूसरा उपयोग है पेस्ट इंसेक्ट को दूर रखने में। आप कोई भी प्लांट लगाते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमारे प्लांट स्वस्थ और हेल्दी रखें। ये तभी हो सकते हैं जब आपके प्लांट से पेस्ट इंसेक्ट कोसों दूर रहे। तो इसका उपयोग आप पेस्ट इंसेक्ट दूर रखने के लिए समय समय पर कम से कम 15-15 दिन पर अपने प्लांट पर रेगुलर करते रहें। ये फंगस डिजीज हो चाहे इंसेक्टिसाइड डिजीज हो, उसमें बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ये वुड ऐश। आप इसका यूज किसी भी प्लांट पर बेझिझक कर सकते हैं, चाहे फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे वेजिटेबल प्लांट हो, चाहे फ्रूटिंग प्लांट हो, किसी भी प्लांट पर आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में काम करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ तक कि ये मिलीबग बरसात के मौसम में स्लग एंड स्नेल और भी कई ऐसे फायदे देखने को मिलेंगे अगर इसका यूज अपने प्लांट पर रेगुलर करते रहे, यानी कि डिजीज एलिमिनेशन में भी वुड ऐश की महत्वपूर्ण भूमिका है। और तीसरा उपयोग आप कर सकते हैं इस वुड ऐश का फर्टिलाइजर के तौर पर। आप इसका फर्टिलाइजर के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटासियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। आपको करनी क्या है, इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई करके इसका यूज आप फर्टिलाइजर के तौर पर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे और भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो प्लांट के लिए हेल्पफुल होते हैं, यानी कि आप इसका यूज फर्टिलाइजर के तौर पर भी कर सकते हैं।
और चौथा उपयोगी फ्रेंड्स, आप इसका यूज मल्च के तौर पर कर सकते हैं, चाहे प्लांट को तेज गर्मी से बचाना हो, चाहे प्लांट को कड़ाके की सर्दी से बचाना हो। यानी कि समर में इसका यूज करते हैं तो आपके प्लांट को ठंडक देने का काम करेंगे। अगर आप इसका विंटर में यूज करते हैं तो प्लांट को गर्मी देने का काम करते हैं। यानी कि आप इसका यूज मल्च के तौर पर भी कर सकते हैं। वुड एश का। और पांचवा उपयोगी फ्रेंड्स, हम गार्डनिंग करते हैं तो बहुत सारे सीड हमारे गार्डन में ही निकल जाते हैं, तो आप इसे सीड को स्टोर करने के लिए सालों साल आप इस वुड एश का उपयोग कर सकते हैं। आपको करने क्या है, इस तरह से सीड में इस तरह से ये देखिए वुड एश को अच्छी तरह से लगाकर मिक्स करके आप सीड को सालों साल स्टोर कर सकते हैं। इससे आपके सीड जल्दी खराब नहीं होंगे। यानी कि सीड को स्टोर करने में या फिर ट्यूबर को स्टोर करने में, कई ऐसे प्लांट हैं जिसके रूट के नीचे से हमें ट्यूबर प्राप्त होते हैं, तो उस ट्यूबर के स्टोर करने में भी आप इस लकड़ी के राख का उपयोग आप कर सकते हैं। यानी कि सीड स्टोरिंग और ट्यूबर स्टोरिंग में भी आप इस लकड़ी का राख का यूज कर सकते हैं। और सिक्स इम्पोर्टेंट उपयोगी फ्रेंड्स, आप देखते होंगे सॉइल के ऊपरी सरफेस एरिया पर इस तरह से रेनी सीजन में काई लग जाते हैं, खासकर ज्यादा वाटरिंग और खासकर रेनी सीजन में ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो आप इस काई को हटाने के लिए भी इस लकड़ी के राख का यूज आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से चारों तरफ आपको डाल देनी है अच्छी तरह से गुड़ाई करके। फ्रेंड्स, ये कुछ सिक्स अनोखे फायदे हैं इस वुड एश का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पर बना सकते हैं आसानी से। और इसके फायदे आपको प्लांट में और इसका यूज करके बहुत सारे फायदे अपने प्लांट को दे सकते हैं। क्यों ना ऐसे चीजों का उपयोग करें जो हमें कम खर्च में बहुत सारे फायदे दे। तो इसका यूज करें और बहुत सारे फायदे अपने प्लांट को पहुंचाएं। थैंक यू।